18 से लेके 20 साल तक की बच्ची छूट गई थी, और अब हम बहुत जल्द 2-3 दिन के अंदर, और संभवतः अभी सरकार आपके द्वार के अंदर में भी 18 से 20 साल की बच्चियों को सम्मान योजना में जोड़ने का काम किया जाएगा। जो हमारी हमेशा ये सोच रही है, सरकार वही सफल होता है जिस सरकार में उस राज्य की जनता के चेहरे में मुस्कान हो। हम आप लोगों से हम जोर से एक आवाज सुनना चाहते हैं। मुख्यमंत्री मैया योजना आपको अच्छा लगा? अच्छा लगा? हम आपका बहुत समय नहीं लेंगे। हमने पहले भी कहा था कि हमारी सरकार रांची हेडक्वार्टर से चलने वाली सरकार नहीं है। हमारी सरकार यहाँ के गांव देहात से चलने वाली सरकार है। आज भी हमारा इस राज्य में अनेक ऐसे गांव देहात हैं, आज अनेक लोग हैं गांव में जो कभी बीडीओ सीओ का शकल नहीं देखा है, बीडीओ ऑफिस नहीं देखा है, सीओ ऑफिस नहीं देखा है, और जिला का डीसी एसपी का तो बात ही छोड़ दो, वो तो कभी देखा ही नहीं है उसको। जब हमारी सरकार बनी उसी समय हमने ये कहा था कि ये सरकार गांव की सरकार है, ये झारखंडियों की सरकार है, और आज आप देखते होंगे कि गांव गांव टोला टोला मोहल्ला मोहल्ला में शिविर लगा लगा कर पदाधिकारी लोग कंप्यूटर लैपटॉप लेके बैठा है। जहां रास्ता नहीं है वहां कोई बैलगाड़ी से जाता है, कोई ट्रैक्टर से जाता है, कोई मोटरसाइकिल से जाता है, और आपकी समस्या का गठरी बना बना करके हम तक लाता है, और उसका समस्या का समाधान हम लोग मिलकर करते हैं। कई ऐसी चीजें हैं, हालांकि हम लोग जब सरकार बनाए उसके दूसरे दिन से ही हम लोगों को कई चुनौतियां, नई नई चुनौतियां जो कभी हम लोगों ने सपना में भी नहीं सोचा, ऐसे चुनौतियां ऐसे समस्याएं आई हैं जो हम लोगों ने भी झेला, आप लोगों ने भी झेला है, और ऊपर से हमारे विपक्षियों का षड्यंत्र वो अलग चलता है। हम पहले भी जिला जिला परमंडल स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों में मैं गया हूं, आप लोग उस समय हमको दूसरा तरीके से दिखते थे। मैं उस समय कैसा दिखता था? एकदम बच्चा जैसा। आप कैसा दिखता हूं? एकदम बूढ़ा जैसा। ये हमारे विपक्षों का षड्यंत्र का नतीजा है कि आज हम ऐसा हो गए, और हम लोगों ने कमर कसी है इन विपक्षों को अब झारखंड से खदेड़ कर हमेशा हमेशा के लिए भगा देना है। आज गांव की आवाज से, गांव के लोगों के दरखास्त से हम अपनी योजनाएं बनाते हैं। एक समय ऐसा था कि इस राज्य में लोग भूख से मरता था, दवा के अभाव में मरता था, लेकिन आज धीरे धीरे बहुत कुछ में बदलाव है।
झारखंड पूरा देश का सबसे गरीब राज्य है, लेकिन इसको दूसरा राज्य का लोग सोना का चिड़िया बोलता है। पता नहीं कैसे सोना का चिड़िया बोलता है, ये तो समझ से बात परे है। गुमला लोहरदगा में कई खनन कार्य होते हैं, लेकिन यहां के लोगों का तन ढकने का कपड़ा भी नहीं होता है। बहुत सारी समस्या, और इसी समस्या को दूर करने के लिए हमारे पूर्वजों ने भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, तेलंगाना खड़िया, वीर बुद्धू भगत जैसे लोगों ने अपनी कुर्बानी दी। वो इसलिए दिया कि इस राज्य के मूलवासी आदिवासी सुरक्षित रहें, यहाँ का जल जंगल जमीन बचा रहे, और इस राज को अलग करने का एक अलग पहचान आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी के लंबे आंदोलन के बाद हमें राज तो मिला, लेकिन जो महाजनों का और जो लोग इस राज को लूटने वाले थे वही लोग सत्ता में बैठ गया। राज अलग होके 20-22 साल तक उन्हीं लोगों ने सरकार को चलाया, और नतीजा हुआ लोग भूख से मरने लगे। आम दिन में हाथ में राशन कार्ड लेकर के लोग भूख से मर गया, बच्चे भूख से मर गए। यह हालत जब हम लोग सरकार बनाए, पूरा राज्य में चारों तरफ तकलीफों का अंबार, समस्याओं का अंबार, लोग त्राहिमाम कर रहा था। हम लोग सोचे काम शुरू करें तो कहां से करें, और इसी बीच कोरोना आया। कोरोना तो ऐसा आया जो राह का कसर भी था वो पूरा कर गया। ना अस्पताल झारखंड राज्य में बढ़िया, ना डॉक्टर लोग यहां पर पर्याप्त मात्रा में। उसके बाद ऐसा महामारी सब गरीब राज्य के लिए एक अभिशाप होता है। और आप लोगों ने सुना था कि लॉकडाउन लगा और हमारा जो गांव देहात से गया हुआ नौजवान अलग अलग राज्य में अपना परिवार का पेट पालने के लिए, पैसा कमाने के लिए, उन लोग को भी नौकरी चाकरी से भगा दिया। पूरा देश में हाट बाजार, गाड़ी मोटर सब कुछ बंद हो गया, काम धाम सब बंद। लोग पैदल पैदल अपना, कोई दिल्ली से, कोई मुंबई से, कोई कर्नाटक से, कोई केरल से पैदल चल दिया झारखंड के लिए। लेकिन बेचारा उन लोग तो चल तो दिया, लेकिन पहुंचेगा कैसे? कई लोग आधे रास्ते में मर गए। इतना डरावना, इतना भयावह दिन पूरा देश का इतिहास में कभी नहीं देखा किसी ने। लेकिन हमारे विपक्षों की सरकार थी, आदेश कर दिया लॉकडाउन, जहां पड़ा है पड़े रहने दो, लोगों को भूखा मरने दो। लेकिन उस समय हम लोग रात दिन जग करके अपने मजदूरों को हवा जहाज से, ट्रेन से ढो ढो करके आप लोग का घर घर तक पहुंचाने का हम लोग काम कर रहे थे। और तो और उस लड़ाई में अस्पताल डॉक्टर से काम नहीं चला। उस लड़ाई में हमारी इस राज्य की महिला दीदियों ने हमारा साथ दिया। जब राज्य में सब काम धाम बंद था, उस समय आप याद कीजिए, हमारी महिला दीदी गांव गांव में खाना बना करके मजदूरों को मुफ्त में खाना खिलाने का काम कर रही थी।
और उसी दिन हमने सोचा था महिला सशक्तिकरण पर हम काम करेंगे, और आज उसी का परिणाम है कि आज पूरे राज्य में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना चालू करके आज हम लोगों ने 50 लाख महिलाओं को जोड़ दिया है। आपका इस दो जिला में 2 लाख से अधिक महिलाएं जुड़ चुकी हैं, अभी और जुड़ रही हैं। और तो और कल हमने घोषणा भी कर दिया है, एक और अभी 21 साल से 49 साल तक की महिलाओं को मैया सम्मान योजना में उसको जोड़ा जाएगा, 12,000 रुपये सालाना मिलेगा। लेकिन आपको बताना चाहेंगे हम और आपके खुशियों को और ज्यादा खुशी में बदलना चाहेंगे कि अब हम 21 तारीख से घटा करके 21 साल से घटा करके 18 साल करने जा रहे हैं। अभी हमने उसका कानून नहीं बनाया है, लेकिन बहुत जल्दी हम बनाएंगे। 21 साल को घटा करके 18 साल करेंगे, लेकिन 18, 19 साल, 20 साल की बेटियां भी अपना फॉर्म भर सकते हैं। जैसे ही कानून हम लोग बना लेंगे, वो जो जमा किया हुआ फॉर्म को हम लोग तुरंत आपके खाते में पैसा देने का काम किया जाएगा। इसलिए जो अभी गांव गांव पंचायत पंचायत जो शिविर लग रहा है उसमें आप लोग भी फॉर्म भर लीजिएगा, अभी एडवांस में फॉर्म भर दीजिए, चिंता मत कीजिए। आपका भाई यहां बैठा है आपकी हर तकलीफ को दूर करने के लिए। जल जंगल जमीन झारखंड की पहचान है। अलग अलग कारणों से कई बार यहां के लोग विस्थापित होते गए हैं, उद्योग लगाने के नाम पर, फैक्ट्री लगाने के नाम पर, माइनिंग करने के नाम पर, तरह तरह की चीजों को लेकर, और ये सारे भारत सरकार की संपत्ति की वजह से जोर जबरदस्ती नए नए कानून बना करके आदिवासी मूलवासियों को भगाया जाता है। लेकिन हम लोगों ने इसका अलग रास्ता बनाया है, कैसे हम अपना जल जंगल जमीन बचाएंगे, और उसका पहला उदाहरण आपको याद होगा, नेतरहाट फायरिंग रेंज हमेशा के लिए गांव वालों को वापस कर दिया गया। जो 60 साल तक ये लोग लड़ाई लड़ रहे थे, कितना आंदोलन हुआ, कितना लोग मर गया पता नहीं। हमारे पिताजी आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी ने भी इसका आंदोलन किया, बेचारा आंदोलन करते करते आप बूढ़ा हो गए वो, लेकिन वो लड़ाई हम लोगों ने छोड़ी नहीं। और आज जैसे ही मौका मिला वो फायरिंग रेंज का सारा जमीन ग्रामीणों को वापस कर दिया गया, और आज वन पट्टा के माध्यम से आपके गुमला और लोहरदगा के अंदर हम लोगों ने 22,000 एकड़ जमीन का वन पट्टा दिया है। और आज के दिन में 1,250 एकड़ जमीन का वितरण आज इस मंच से किया जाएगा। हमको पहले भी विभिन्न कार्यक्रमों में पदाधिकारी लोग बनपट्टा बंटवाता था, एक दिन गलती से कागज हम देख लिए कि हमको बताओ तो भाई तुम पट्टा कितना का दिया है इसको, तो पता चला 4 डिसमिल, 5 डिसमिल। हमने कहा कि ये तो पदाधिकारी हमें बेवकूफ बना रहे हैं। फिर हम लोगों ने तुरंत आदेश दिया है अब डिसमिल पर कोई पट्टा नहीं बनेगा, कोई भी पट्टा बनेगा तो आप एकड़ों में पट्टा बनेगा, चाहे वो व्यक्तिगत हो या सामूहिक। और आप सामूहिक वनपट्टा, व्यक्तिगत वनपट्टा के माध्यम से अपना खेती बाड़ी का काम कर सकते हैं।
आज के दिन में मौसम बहुत खराब हो रहा है, समय पर बारिश नहीं होता है, समय पर धूप नहीं होता है, समय पर ठंडा नहीं पड़ता है, किसान को समझ में नहीं आता है बेचारा करे तो क्या करे। इसीलिए वैकल्पिक खेती के लिए भी हम लोगों ने आप लोगों के लिए बिरसा हरित ग्राम योजना लाया है, जहां आप अपने खेत खलिहान में नहीं तो बनपट्टा वाला जमीन में आप आम का पेड़ लगाइए, आप लीची का पेड़ लगाइए, जामुन का पेड़ लगाइए, महुआ का पेड़ लगाइए, पपीता का पेड़ लगाइए, बांस का पेड़ लगाइए, और जब तक उस पट्टा वाला जमीन पर वो पेड़ रहेगा उसका मालिक आप तब तक रहेंगे। बन पट्टा दिया जाएगा, उसका मालिक बनना है तो उस बन पट्टा के जमीन पर पेड़ लगाना है, खेती बाड़ी करना है, तभी ये हम लोगों का जो पहचान है, आदिवासियों का जो आत्मा बसता है वो बचा रहेगा। गरीब राज होने के नाते बहुत सारे लोगों का इस राज में गिद्ध नजर रहता है। आप लोग सुने हैं बड़ा बड़ा तालाब में या बड़ा बड़ा समंदर में बड़ा मछली छोटा मछली को खा जाता है, तो वही मानव जीवन में भी जो संभ्रांत लोग होते हैं वो छोटे छोटे कमजोर वर्गों को खा जाते हैं, निगल जाते हैं, और खासकर को उन लोगों का जिस समाज का कोई पहचान ना हो। आज हम जरूर अपने आप को आदिवासी समाज बोलते हैं, लेकिन आज देश की सूची में आदिवासियों की पहचान नहीं है। इसीलिए झारखंड सरकार ने झारखंड के आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड पारित करके भारत सरकार को भेजा है, लेकिन वो भी अभी तक उसमें आदेश नहीं मिला। अगर सरना धर्म कोड मिल जाए या आदिवासियों के लिए कोई कोड मिल जाए तो हम लोग देश के आदिवासी सुरक्षित हो जाएंगे, लेकिन ये नहीं चाहते। भेड़ बकरियों की तरह हम कभी इधर चले जाएं, कभी उधर चले जाएं और खत्म हो जाएं, यही स्थिति है। और बड़े योजनाबद्ध तरीके से आज से नहीं, अंग्रेजों के काल से आदिवासियों को इधर उधर मजदूरी के नाम पर, आपको तो मालूम है यहाँ के आदिवासी कोई आसाम में, कोई बंगाल में, कोई कर्नाटक में, कोई केरल में जाके बसा पड़ा है सदियों से, और ये लोग हमें मजदूर ही बनाना चाहते हैं। हमारा गांव देहात में 2019 के पहले दो चार लोग वृद्धा पेंशन पाता था, और आज गांव में दिया लगा करके टॉर्च लगा करके भी आप ढूंढिएगा तो बूढ़ा बुजुर्ग बिना पेंशन का नहीं मिलेगा, सबको पेंशन मिलता है, आप दलाल का भी चक्कर नहीं काटना पड़ता है। अब आप लोग बताइए, आप लोग मैया सम्मान योजना का लाभ ले रहे हैं, कहीं कोई आपको चक्कर लगाना पड़ा ब्लॉक का और जिला का, कैंप लगा लगा करके आप लोगों से दरखास्त ले ले करके आज 20-25 दिनों के अंदर आपके खाते में पैसा चला गया। और निश्चित डेट पर सभी बैंकों को भी आदेश दिया गया है कि एक निश्चित डेट फिक्स करके आपको वो पैसा ग्रामीणों को देना है, नहीं तो पता चला बैंक वाला लोग भी बड़ा झूठ बोलता है सरकार का पैसा नहीं आया तो हम कहां से देंगे, और गांव वाला बेचारा 10 किलोमीटर दूर से रोज आता है जाएगा, चार दिन आए तो चार दिन का भाड़ा उसी में चला जाएगा। इसीलिए एक बार बैंक वालों को हम लोगों ने ये आदेश दिया है कि जैसे ग्रामीणों के खाता में पैसा जाए और आपके मोबाइल में भी SMS आएगा और आप अपना पैसा निकाल सकते हैं।
आज सभी को पेंशन, महिलाओं को सशक्तिकरण करने के पीछे का राज मेरा ये है। हमारी सोच ये है, आज के दिन में भी गांव देहात में हमारा गांव का लोग अपना घर द्वार चलाने के लिए, बीमार में इलाज के लिए, बच्चा लोग को पढ़ाने के लिए कहीं कहीं महाजनों से पैसा कर्जा में भी ले रहा है, और वो कर्जा ऐसा कर्जा इनका होता है कि कभी उतरता ही नहीं। मेरा संकल्प है आने वाले 5 साल के अंदर आपको हम इतना मजबूत करेंगे कि किसी से पंचा उधारी और कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप बताइए, मैया योजना में किसी घर में अगर 3 महिला है, माँ है, बहू है, बेटी है, तो 3000 रुपया ऐसे ही चला गया, और माँ बाप भी बूढ़ा बुजुर्ग लगाया था, 12 दुना 24 हजार ऐसे हो गया साल का, और 36 हजार रुपया तीनों महिला का हो गया, 60 हजार रुपया आपको तो अभी ऐसे ही जाएगा जो घर में 2-3 महिला है। और अगला 1-5 साल के अंदर हर घर में 1-1 लाख रुपया हम पहुंचाएंगे, ये हमारा वादा है। और सारी योजना है, वो तो बहुत हम योजना गिनाने लगेंगे तो समय भी कम पड़ेगा। आज गांव में हमारा नौजवान कोई बेलेरो ले रहा है, कोई स्कॉर्पियो ले रहा है, कोई ट्रैक्टर ले रहा है, कोई बस ले रहा है। अभी तो आप लोगों ने सुना लोहरदगा में, वहां जुरिया पंचायत से जुड़ी महिला 25 लाख रुपए का सरकार से लोन लेकर के सीमेंट छड़ का दुकान खोल ली। तो आप लोग भी सरकार से लीजिए, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से आप लोग राशन दुकान खोलिए, छड़ सीमेंट का दुकान खोलिए, जूता चप्पल का दुकान खोलिए, जो आपको मन करता है काम कीजिए। अगर आपके पास पूंजी नहीं है, बिना गारंटी का सरकार आपको आर्थिक सहायता देने का काम करेगी। जाइए तो बैंक में 25 लाख टका आप लोग लोन लेके दिखा दीजिए, कोई आदिवासी को नहीं मिलेगा, कोई दलित को नहीं मिलेगा, कोई पिछड़ा को नहीं मिलेगा। ये सब व्यापारियों के लिए। आज इतना कुछ करने के साथ साथ हमारे विपक्ष का भी षड्यंत्र साथ साथ चलता है। जितना आप लोगों के लिए काम करते हैं उतना ही मेरे पीछे हमको काटने के लिए दौड़ता है। जब काट नहीं सका 2 साल तक तो हमको जेल में भी डाल दिया। ये तो आप लोग का आशीर्वाद था, बूढ़े बुजुर्ग का आशीर्वाद था कि मैं आज आपके सामने फिर से खड़ा हूं। कई सारी योजनाएं, अबु आवास के बारे में आप लोगों ने जुरिया पंचायत के हमारी बूढ़ी माताजी के बारे के मुंह से सुना ही, उनको अबु आवास मिलने लगा है। पशुधन योजना हम लोगों ने चलाया है, गाय बकरी मुर्गी सुअर पालिए आप लोग, इससे भी पैसा आमदनी होता है। हमारा बूढ़ा बुजुर्ग लोग पहले कहता था गाय गोरु रहने से इसको पशुधन बोलते हैं। हम लोग गांव देहात में किसके पास बैंक में बोरा भर भर के पैसा है बताओ तो? किसी के पास नहीं मिलेगा। हम लोग के पास अगर पैसा कौड़ी रहता है तो पशुधन के रूप में रहता है, खेत खलियान के रूप में रहता है। इसलिए हम बार बार बोलते हैं, खेत हमारा बैंक है, खलियान हमारा एटीएम कार्ड है। बैंक से हम लोग का कारोबार नहीं होता है। यही जानवर गाय बकरी बेचकर बीमार का इलाज,
बच्चा का पढ़ाई लिखाई, हमारे पूर्वजों ने हम लोगों को यहां तक इन्हीं जानवरों के साथ उसको भी पाला पोसा और हम लोगों को भी पाल पोस के बड़ा किया। लेकिन आज थोड़ा गाय गुरु सब गांव में घट गया, उसको भरने के लिए हम लोगों ने मुख्यमंत्री पशुधन योजना लाया है। पहले जो हमारे विपक्ष की सरकार है, बीजेपी की जो सरकार है, उनके जो कार्यक्रम रहे हैं वो बड़ा विचित्र रहा है। उस समय भी जानवर बढ़ता था, लेकिन बीमार जानवर बांटता था। ये लोग किसानों को देने के बाद 6-7 महीने के बाद जानवर मर जाता था बीमारी से। बेचारा किसान उस पर जो खर्चा किया फिर दोबारा हिम्मत ही नहीं करता था जानवर पालने के लिए। लेकिन अब जो भी जानवर आपको मिलेगा सरकार की तरफ से, गाय बकरी मुर्गी सुअर जो भी, वो सभी जानवर बीमाकृत जानवर मिलेगा। गलती से मर गया तो बैंक वाला आपको पूरा पैसा वापस कर देगा जानवर का। तो कई ऐसी चीजें हैं, एक आम आदमी, हर एक आदमी का सबसे बड़ा जरूरत क्या होता है, मुख्य जरूरत क्या होता है, रोटी कपड़ा और मकान। हमारे इस विपक्ष के लोगों ने, इन नालायकों ने 2019 से पहले इस राज का 11 लाख राशन डिलीट कर दिया था। नतीजा यही हुआ, यही गुमला सिमडेगा में लोग राशन कार्ड लेकर के भात भात करते हुए मर गया बेचारा। लेकिन हम लोग की सरकार बनी, अतिरिक्त 20 लाख हरा राशन कार्ड बना करके गरीबों के बीच में हम लोग बांटे। लेकिन उसमें भी सौतेला व्यवहार, हम लोग सोचे कि सरकारी दुकान से राशन खरीदेंगे और गरीबों को मुफ्त में बांटेंगे, लेकिन सरकारी दुकान से ये लोग हम लोग को खरीदने ना दे, एक महीना खरीदने दे, एक महीना खरीदने ना दे, दो महीना खरीदने दे, तीन महीना खरीदने ना दे, यही हाल होने लगा। और हमारी योजनाओं को विफल करने के लिए ये काम इन लोगों ने शुरू किया। हमें गांव से ये खबर आई कि हरा राशन कार्ड में राशन नहीं मिल रहा है, तो राशन इसलिए नहीं मिल रहा है कि हमको सरकारी दुकान से ये राशन समय पर नहीं देते, कभी देते हैं कभी नहीं देते हैं। नतीजा होता है कभी हम बाजार में जाते हैं कभी सरकारी दुकान में जाते हैं। हमारी योजनाएं कैसे उसका लाभ आप तक ना पहुंचे, इसका दिन रात एड़ी चोटी लोग काम करता है। अभी मैया योजना हमने चालू किया, 50 लाख महिलाओं के खाता में 1000 रुपया चला गया और ये बेईमान लोग कोर्ट में जाकर के कोर्ट में केस कर दिया है। अभी इधर ही का कोई आदमी है यार, यही भाजपा का लोग है, अभी कोर्ट में केस कर दिया है इन बेईमानों ने। और पता करो कौन आदमी है और उस सब को पहचान लो। अभी 2-4 महीना के बाद फिर चुनाव आएगा, गांव में घुसने नहीं देना है इन लोगों को। ये हालत है। हमारी योजनाएं फेल करने के अलग अलग उपाय निकालते हैं हम। यहां के नौजवानों को नौकरी देने के लिए 32 के आधारित, खतियान का आधारित हम नियोजन नीति बनाते हैं, ये बेईमान लोग कोर्ट में जाकर के हमारे कानून को असंवैधानिक बना देता है। और यही कानून इनके राज में बनता है वहां संवैधानिक हो जाता है। बारे वाह, यही पूंजीपतियों की जमात और ये लोग बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पदों में बैठ करके सदियों से सिर्फ झारखंड ने पूरे देश के आदिवासी दलित पिछड़ों का इन लोगों ने शोषण किया। और जब आप हम लोग धीरे धीरे जगह पकड़ रहे हैं, कोई मंत्री बन रहा है कोई मुख्यमंत्री बन रहा है, तो इनका पेट में दर्द हो रहा है। हमको अभी 4 साल तक चैन से बैठने नहीं दिया, 2 साल तो कोरोना के वजह से हम लोग नहीं बैठ पाए,
और बचा हुआ समय में इन लोगों ने हमें परेशान कर दिया। और इस कोरोना की लड़ाई में हमारे दो दो मंत्री बेचारे सेवा करते करते वो भी ऊपर चले गए। इतना दिन रात हम लोग खट करके काम करते हैं, लेकिन इनको काम नहीं दिखाई देता है। और अभी नौकरी का दौर चल रहा है उत्पाद सिपाही में, कुछ नौजवान उस दौड़ में आकस्मिक मौत हो गई उनकी, और पता चला इसमें बहुत बड़ा एक गहरी साजिश की बू आ रही है। समय आने के बाद पता चलेगा, जिसको जांच के लिए हमने आदेश दे दिया है कि कोरोना काल में इस देश के लोगों को, झारखंड के लोगों को कोरोना से बचने के लिए जो दवा का इंजेक्शन लगवाया है वो गलत इंजेक्शन लगवा दिया है, फर्जी इंजेक्शन लगा दिया है इन लोगों ने। हल्का पुल्का सर्दी खांसी बुखार में भी लोगों की जान जा रही है, ये हालत हो गया। और वो फर्जी दवा बनाने वाला कंपनी से इन लोगों ने अरबों अरबों रुपया चंदा वसूल लिया है। पैसा वसूलने के लिए उन लोगों ने कौन सा दवा हम लोग ऊपर लगा दिया है भगवान जाने, और हमको तो कोरोना हुआ भी नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में सबसे आगे रहना है तो सबसे पहले दवा भी लगवाना है। पता नहीं कौन सा दवा ठकवा दिया हमको, कल क्या होगा पता नहीं। और आज जो दौड़ हो रहा है सिपाही का, उसमें जो बच्चे का देहांत हो रहा है उसमें भी उसका उस इंजेक्शन का प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो कई उल्टे सीधे पैसे कमाने के लिए ये किसी का भी कुछ कर सकते हैं, किसी का भी जान ले सकते हैं। तो बहुत ज्यादा हम नहीं कहेंगे, आप लोग बहुत दूर दराज से आए हैं, बहुत सारे हमारे विपक्ष के लोग अभी यहाँ के स्थानीय विपक्ष के लोगों के पास कुछ बोलने का रहा नहीं तो अखबार में छपवाने के लिए ये लोग छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, असम से, गुजरात से नेता लोग को बुलाता है। और यह हिंदू मुस्लिम का सांप्रदायिक तनाव फैलाने का काम कर रहा है, कोई सिख ईसाई के नाम पर, कोई आदिवासी गैर आदिवासी के नाम पर, कोई दलित पिछड़े के नाम पर एक दूसरे से लड़वाने का इन लोग जहर तैयार कर रहा है। हर दूसरे दिन आप अलग अलग सूचना तंत्र के माध्यम से सुनेंगे कि फलना जगह का नेता आया और ये हिंदू मुस्लिम करके गया, और इनके पास जो अखबार रेडियो टीवी छापने वाला लोग, इन्हीं लोगों का व्यापारी साथी लोग फट से छाप देता है। और ये लोग बोले भी नहीं तो भी छापेगा, खैर कोई चिंता नहीं है, हम लोग अखबार टीवी रेडियो के भरोसे नहीं चलते हैं, हम लोग अपने कर्मों अपने मेहनत के बदौलत चलते हैं, और इसी मेहनत और संघर्ष के बदौलत हम इस राज को सजाएंगे, गांव को मजबूत करेंगे, गांव मजबूत होगा तभी ये राज मजबूत होगा। आज आपके बीच में हमारे पढ़े लिखे नौजवान के लिए अलग अलग नियुक्तियां निकल रही है, हो रहा है, इन लोगों से झगड़ा भी चल रहा है और हम लोग अपना काम भी कर रहे हैं, लेकिन इनको दिखाई नहीं देगा, इनको सब उल्टा दिखाई देगा। बेचारे ये सत्ता पर अगर ये नहीं रहते हैं तो ऐसा लगता है कि बिना पानी का जो मछली है वही हाल इनका रहता है। जनता उनको चुनती नहीं है फिर भी विधायक खरीदो, सांसद खरीदो, ईडी सीबीआई से धमकी दिलवाओ, छापा पड़वाओ, जेल में डालो और सरकार बनाओ। ये हालत है। अब इनके पास
आम जनता का और आम जनता का समर्थन का आवश्यकता नहीं है। इस लोकतंत्र में, देश में, राज्य में सरकार जो बनता है वो जनता चुनती है, आप चुनते हैं, लेकिन इनको आपसे आपसे मतलब नहीं है। अगर आपने किसी और को सरकार बनाया तो उस सरकार को ही खरीद लेता है। हमको भी विगत 2 साल से लगा हुआ है, हमारे विधायकों के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन हम लोग उन लोगों में से नहीं जो पैसे में बिकते हैं, हम लोग उन लोगों में से नहीं जो डर के मैदान छोड़ के भागते हैं। हम लोग भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू के वंशज के लोग हैं, सामने से लड़कर के जीत के साथ आगे बढ़ते हैं। आज इसीलिए सभी माताओं को, विशेषकर आज महिलाएं यहां आई हैं, लेकिन ये सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, पुरुष हमारे समाज के भी अभिन्न अंग है, उनके लिए भी बहुत सारी योजनाएं, स्वरोजगार के रास्ते हमने खोले हैं। आप लोग भी आगे बढ़िए, आप लोग, हम लोग का समाज थोड़ा शर्माता ज्यादा है। एक कहावत है, ये कहावत हम लोग के लिए ठीक फिट बैठता है। उस कहावत को तोड़ने का काम किए, जिसने की शर्म उसके फूटे करम। इसीलिए दलाल लोग आगे आ जाता है, बिचौलिया लोग हम लोग का अधिकार खा जाता है। आप लोग उन बिचौलियों को दबाइए, उनको रौंदिए, आपका अधिकार, आपका इंतजार, आपके दरवाजा खटखटा रहा है। कभी आप लोगों ने सोचा है कि पंचायत में जाकर के आपको मैया योजना का फॉर्म भराएगा, वृद्धा पेंशन का फॉर्म भराएगा, सावित्री बाई फूले का फॉर्म भराएगा? बेचारा सब बूढ़ा बुजुर्ग लोग पेंशन का एक कार्ड बनाने के लिए 4 साल 5 साल तक दलाल के पीछे दौड़ता रहा। कार्ड तो बना नहीं बेचारा, लेकिन वो जरूर इस दुनिया से चला गया कार्ड के आशा में। लेकिन आज हमारा गांव देहात का बूढ़ा बुजुर्ग लोग दिन गिनता है कि कब 50 साल पूरा होगा और तुरंत कार्ड बन जाएगा। कई जगह तो हमको ये भी जानकारी मिला है कि अपना आधार कार्ड में दलाल लोग फर्जी उम्र लिखवा करके कार्ड बनाने के चक्कर में लगा रहता है, उसमें 200-400 रुपये मार लेता है। ये सब दलालों के चक्कर में मत बनिए, मत पड़िए। आपका उम्र जैसे ही होगा, सभी वीडियो सीओ को ये आदेश दिया जा चुका है, 50 साल वाले बूढ़े बुजुर्गों का अगर पेंशन रुका तो तुम लोगों का भी तनख्वाह रुकेगा, तुम लोगों का भी नौकरी रुकेगा। तो इसीलिए बहुत ज्यादा नहीं कहेंगे, अभी और भी कार्यक्रमों में जाना है। इन्हीं बातों के साथ आप सभी माँ बहनों को और यहाँ आए हुए हमारे गठबंधन दल के साथियों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, जोहार।